नमस्कार, आभार अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा बुलेटिन। मैं वीरेंद्र सिंह आज मंसूरपुर खड़ा हूँ हाईवे पर, और मेरे पीछे जो खड़े हैं भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं आज क्या मामला है, क्यों खड़े हैं, किस तरह के बात है कि हाथों में मुझे माला लेकर खड़े हैं और क्या मसला है। आइए इनसे बात करते हैं सीधे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं कैप्टन केपी सिंह, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर। सर, आज आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या मामला है? आज जो है हमारे लोकदल से पुरकाजी से विधायक माननीय अनिल कुमार जी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, और उनके प्रथम आगमन पर मुजफ्फरनगर में हम सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है कि आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक दलित का बेटा आज कैबिनेट मंत्री बना है, इससे पहले कोई था ही नहीं, कैसा लग रहा है? इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती थी, और हमारे लिए खुशी की बात ये भी है कि ये सब काम अगर हो सकता है तो राष्ट्रीय लोकदल में ही हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि एक दलित को, दबे कुचलों को ही आगे बढ़ाया जाए, और पश्चिम यूपी में दलित चेहरे को राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठाया जाए, यही उनका मेन उद्देश्य रहा है। सर, आपके आंदोलन में देखे हैं और ओपीएस पर भी आपने आंदोलन किए हैं, क्या करना चाहेंगे आप ये मंत्री जी बन गए हैं? अनिल जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, दो बार के विधायक रहे हैं, और इनको मंत्री बनाना हमें तो समाज में खुशी है ही है, लेकिन दलित समाज में भी ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मेरी खुद की तमन्ना, ये मैं किसी पर थोप नहीं रहा, अगर चौधरी साहब एक किसी और को भी मंत्री बना देते, जैसे हमारे अशरफ अली जी हैं, या मतलब दूसरे अपने मदन भैया थे, या चंदन जानी, बड़ा अच्छा हुआ कि वहाँ से टिकट दे दिया। ये समाज में इतना शानदार संदेश जाएगा, एक किसान की परिवार से है, और जैन जी ने कभी भी मतलब राजनीति जाट की नहीं की, जैसे उनके बारे में आता रहता है, चौधरी के बारे में आता रहता है, चरण सिंह के बारे में यही चर्चा रही है, अजीत सिंह के बारे में, लेकिन जैन जी जो है बहुत ही सुलझे हुए अच्छे किस्म के लीडर हैं, और ये हमेशा किसान का, मजदूर का और गिर गुजरों का साथ देंगे। सर, एक सवाल आपसे भी है, जैन जी के बीजेपी के गठबंधन में जाने पर किसानों की आवाज, जो किसानों के मुद्दे थे, एमएसपी के थे, गन्ना मूल्य था, बिजली के बिल थे, अब वे क्या हाशिए पर चले जाएंगे सभी मुद्दे, या कुछ बात चलेगी? नहीं, जैन जी ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं पार्टी में तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो डिमांड है वो झुकी तो रहेंगी, किसान, कमेरा, मजदूर, इनके लिए मैं जो है अपने सरकार से मांगे मनवाता रहूंगा और इनके लिए ही कार्य करता रहूंगा। ठीक है, पार्टी में चले गए, लेकिन इसी बेस पे गए हैं कि इनकी मांग हो सके सरकार में जाके पूरी हो जाए, और समझौता इसी बात पे हुआ है कि इनकी बात किसानों की भी, कमेरे वर्ग की, मजदूर की, इनकी सबकी सुनी जाएगी, इसी बेस पे उन्होंने जो है समझौता किया है। क्या लगता है आपके भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कुछ बातें रखी जाएंगे वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल रखी जाएंगी। जयंत चौधरी जी पहले भी जंतर मंतर पे भी गए हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में वैसे भी आते रहते हैं। अभी हमारा एक शहीद दिवस पर प्रोग्राम है 23 मार्च में, हम सोच रहे हैं कि सभी को, भाई अब तो पार्टी से संबंध हो गया मामला, तो सभी को जाए इकट्ठा होकर वहाँ उनको बुलाएं, और इस पे जो है उनका संदेश भी अलग से जाएगा। जी सर, आपका परिचय? मैं किरण पाल पवार, राष्ट्रीय सैनिक संस्था का प्रदेश सचिव। सर, अभी अभी किसानों का 20 पैसे बढ़ा है प्रति किलोग्राम पर गन्ने पर, इतनी महंगाई में 20 पैसे क्या किसानों के लिए वाजिब है? नहीं, कम है, बट इस बारे में बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि आगे सरकार कुछ ना कुछ करेगी। जैसे अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के सहयोग से पश्चिम में सब इकट्ठे हो गए, किसान और भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से भी और हमारे जैन जी से भी कि हमारे किसानों की जो समस्या है उनको, उनके मुद्दे रखेंगे और किसानों का सम्मान होगा, छोटे भाइयों का सम्मान होगा। जैसे आज हमारे मंत्री जी अनिल जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत अंतरात्मा बहुत खुश है कि हमारे एक छोटे समाज के आदमी से को इतने ऊपर इतनी बड़ी उपलब्धि दी है। सर, एक सवाल आपसे है,
किसानों के मुद्दे के ऊपर बात है कि आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से हो चुका है, किसानों की मांग थी आवारा पशु होगी, लोकतंत्र के अंदर क्या आवारा पशु किसानों के खेत से निकल कर सड़क पर आ गया। ये निरंतर आज के धरने बता रहे हैं, जो इस समय के धरने चल रहे हैं। मेरे सामने समय है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, की त्रासदियों से परेशान है, रोजगार आवारा पशुओं के लिए आती है, ठगती है और इनके मानदेय को ले जाती है, 10,000 के साथ खेलती कैपेसिटी की गौशाला माननीय मंत्री संजीव बालियान जी ने। मेरा नाम गुरु गौहर वाल्मीकि, हमारे गांव के नजदीकी है। हम यहाँ पे पहले एक ए टू जेड नाम की नगर पालिका द्वारा, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने काम कराया सभी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों से। अभी चुनाव का दौर है, उसमें जो आवारा पशु है जिले के, बाद आरके कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी आई है यहाँ पे, तकरीबन सभी जगह से माँ बहनों से यहाँ पे काम कराया है सबको, और काम कराने के बाद 4 महीने का वेतन लेकर भाग गई। मुझे ये बताइए, ये कंपनियों का आगमन और इन कंपनियों का प्रयोजन चलाने वाली संस्थाएं हैं, इन कंपनियों को जो आ रही हैं बार बार और मानदेय से खेल कर रही है, आपको पैसा नहीं समय से मिल पा रहा है, परिवार नहीं चल पा रहे भाई, वो गौशाला ऑपरेट हो रही है, जो आवारा पशु है कौन सी, ये नगर पालिका प्रशासन द्वारा पीने की सब व्यवस्था है, सभी नगर पालिका के अधिकारी नेता मंत्रियों की सारी साठ गांठ से ये काम होता है, और फिर बाद में ये काम कराते हैं, 4-4, 5-5 महीने वेतन लेकर भाग जाती है। हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमारा वेतन लेके भाग गई है कंपनी, हमारा वेतन दिलवाओ, तो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कौन सी कंपनी थी, कौन सी थी। पहले आरके कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी आई थी, अजय शंकर पांडे उसके डीएम से जीत होगी, डीएम साहब ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी में चालू करवाई, और मेरा ये मानना है 4-4 महीने हमारे वाल्मीकि समाज की महिलाओं से ज्यादा मतों से आया गया काम कराकर 4 महीने बाद वो कंपनी भी मुझे भरने कर, तो भगवान ने चाहा तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, जब भी क्योंकि सब भाई एक साथ मिल चुके द्वारा, और जिनका बाहुल है हमारे साथ है, अगर जैसे ये कंपनी आई है इस कंपनी का कोई एक आदमी लिखित में जिम्मेदार बने नगर पालिका प्रशासन, ये कंपनी या तो यहाँ से भागाई जाए, ये कंपनी हम चलने देंगे जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होगी। बिल्कुल उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल जायज था, और वे पलटे नहीं है, ये कोई कहे कि वो पलट गए, पलट कहाँ से गए हैं, वो गठबंधन किया है, कोई पार्टी का विलय थोड़े ही हुआ है, और गठबंधन समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, आम जनता के लिए अपने लोगों के हित के लिए किया जाता है, वो उन्होंने किया है, बहुत सोच समझ कर किया है, हम उसके समर्थक हैं। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ भोजपुर सैनिक, जिन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि जो आरएलडी गठबंधन जो है